मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। जतारा में सीएम शिवराज जनसभा भी करेंगे। जिलेवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ होंगे। एसपी ने चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश दिए। तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण सीएम शिवराज आज करेंगे। जतारा में सीएम शिवराज की सभा भी होगी। और चेतन हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे असाइनमेंट हैं। जी चेतन, क्या कुछ खास होगा सीएम शिवराज के कार्यक्रम को लेकर? बताया जा रहा है विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम शिवराज देंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज टीकमगढ़ और नौगांव दौरा है और दोनों ही जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। लगभग 2 बजे के लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही टीकमगढ़ सर्किट हाउस में जो माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगी है उसका अनावरण करेंगे। इसके साथ ही जतारा में लाडली बहन का एक कार्यक्रम है उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 138 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें 56 विकास कार्य ऐसे हैं जो नई जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी। इसके साथ ही वो 3/20 पे छतरपुर जिले के नौगांव पहुंचेंगे। वहां पर रोड शो का एक बड़ा आयोजन रखा गया है और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरह से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाई है, हिंदू सेना लगातार उस प्रतिमा का विरोध कर रही थी कि माधवराव सिंधिया का टीकमगढ़ में क्या योगदान है, ग्वालियर के महाराज की मूर्ति लगाने का क्या मतलब है। हालांकि विवाद अब थम गया है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन गया है और सीएम आज पहुंचेंगे तो अनावरण कर और साथ ही 138 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। बिल्कुल, जनता को बड़ी सौगात भी देंगे और विस्तृत कार्यक्रम ये होगा। चेतन, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।